कम आप 10 जनों का भला करके जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता से ही पेड़ को बचाने का सिस्टम चला आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग इतने लालची हो गए कि जो पेड़ नाम की चीज़ है उनका भला हम भूलते जा रहे हैं। दो पेड़ ऐसे हैं जिनको हमारी संस्कृति में देवता का दर्जा दिया गया है। दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और पीपल और बड़ के जो पेड़ है 24/7 ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। जितना हो सके हमें पीपल बड़ के पेड़ लगाने चाहिए। हाँ, हो सके जितने आपके साथ घर में जिसका भी बर्थडे आए, कोई भी एनिवर्सरी हो या फिर स्वामी ही क्यों ना हो, आप एक पेड़ लगाने की ज़रूर कोशिश करें। हो सके तो वो पेड़ आप घर के सामने लगाएं, रास्ते पे लगाएं या फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाएं। चीज़ें दें जो हमेशा रहें, जैसे बर्ड और पीपल। ये कहते थे बुजुर्गों के काम है, पर मैं कहता हूँ बुजुर्ग होने से पहले पहले आप कर लें तो बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर सतेंद्र सिंह। उन्होंने एक बात आपको बताई होगी, पर्यावरण है क्या, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ एक छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आगे, इनको देख कर एक बात बता सकता हूँ कि पर्यावरण को छोड़ो आप प्रकृति क्या है, डबल नहीं है। यानी जो चीज प्रकृति ने बनाई है वो सिंगल है। आप किसी पेड़ के किसी पत्ते को भी तोड़ोगे तो पूरी दुनिया घूमाओगे, वो पत्ता दोबारा नहीं मिलेगा, सेम पत्ता नहीं मिलेगा। अर्थात प्रकृति इंसान से कहना क्या चाहती है, प्रकृति इंसान से ये कहना चाहती है कि आप जो हो वैसा दुनिया में कोई नहीं है। आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ आपके खुद के ऊपर निर्भर है, ठीक है। अब उसमें एक सवाल आता है कि इस चीज को जीवन पे अप्लाई कैसे किया जाए। यदि आप इस चीज को अपने जीवन पे अप्लाई नहीं करते हो, कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं जैसा हूं सामने वाला वैसा ही होना चाहिए, कभी नहीं होता। अखबारों तो बस छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि अपने जो आप को पहचान जाओगे तो प्रकृति को पहचान जाओगे, और प्रकृति को पहचान जाओगे तो आज जो गर्मी चल रही है उसके बचाव आप आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हो। जो पैसा मैं दिल्ली गुरुद्वारे में भेज रहा हूँ उसका एक 10% हिस्सा हूँ इस पर्यावरण को दूँ। अगर सिर्फ पेड़ बचाने की बात करें अपन, ठीक है, या पर्यावरण की बात करें, तो नर्मदा नाम की नदी का नाम सुना होगा आपने, बहती है गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके लिए भी बहुत सारी कोशिशें करी जा रही है उसको बचाने की, ठीक है। राजस्थान में भी सुना है, पहले एक बहुत बड़ी नदी बहा करती थी, आपने तो सुना होगा, सरस्वती नाम की, ठीक है। वो नदी समाप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी, और उसकी जगह आज तक एक नाली नाम की छोटी सी नदी बहती है, घग्गर नाम की। उसका कारण अपन लोग है ना। मैं अभी एक टॉपिक पढ़ाता रहा था जल संरक्षण का सेकंड ग्रेड में, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उसमें दौलत सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने बात कही कि ये जितना भी राजस्थान का मरुस्थल है वो पूरा का पूरा मरुस्थल मरुस्थल था ही नहीं, ठीक है। ये मरुस्थल बना अपन लोगों के कारण, क्योंकि अपन लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। मैं अभी भी बच्चों को बोल रहा था कि राजस्थान का पार्ट है ही नहीं कच्ची के लायक। राजस्थान तो वो क्षेत्र है जहाँ पे आप पेड़ और पशुपालन कीजिए और उस डेयरी उद्योग से आप इनकम में बढ़ती है। तो आपको जाना चाहिए पशुपालन और कृषि को छोड़कर पेड़ लगाने की तरफ, ताकि ये जो अपना मरुस्थल है ये समाप्त हो सके, इसका मरुस्थलीकरण रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत। आप में से कोई भी स्टूडेंट, काफी छोटे बच्चे हैं, अभी सीखने के लिए काफी कुछ बचा है, आगे बढ़ने के लिए काफी कुछ बचा। कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या उत्प्रेरक बहुत सारे आते हैं। उत्प्रेरक का मतलब साइंस से हूँ मैं, तो मैं बताऊँ कि स्वयं में परिवर्तित रहते हुए दूसरे की दिशा को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। खुद में काबिलियत इतनी है, कि वो कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन सुनते वो पास वाले की, सुनते वो हमेशा पास वाले की हैं। एक छोटा सा बात बताता हूँ, मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरे साथ के लोगों ने क्या है, ये पॉसिबल है क्या, कर नहीं सकते। पहले उनका फैसला गया, कर नहीं सकते। जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो उनका डिसीजन आया, हो नहीं पाएगा। फिर भविष्यवाणी कर दी,
हाथ नहीं देखा फिर भी कर दी उन्होंने। उसके बाद में एक साल तक मेरा स्ट्रगल टाइम पे रहा, उस टाइम पे वो मजाक बनाते रहे उनका। एक ही जवाब था, हमें पता था कि कुछ ना कुछ तुम बड़ा करोगे। छोटी सी रिक्वेस्ट निवेदन, और जिनके लिए मैं बड़ा हूँ उनके लिए एक आदेश कि वो अपना संबल खुद बने, अपनी तारीफ खुद करें, क्योंकि बुराई करने के लिए तो जमाना बैठा। जो परिंदे से संबंधित एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें वो दाता में जितने भी परिंदे लगेंगे, आज के दिन में 50 परिंदे लगेंगे, वो आईपीपीपी वाले उपलब्ध करवा रहे हैं। और तो एक बार उनके लिए भी मैं जोरदार तालियां बजाता हूँ। और आज एक प्रोग्राम होने से पहले ही दाता में कई भामाशाह हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे सहयोग किया है, जिन्होंने कहा कि अगस्त के दिन में कम से कम 50 रिगार्ड की व्यवस्था करवाने के लिए, वन रक्षक के डिपार्टमेंट उन्होंने सहयोग के लिए कहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग के लिए तत्पर हो रहे हैं। प्रोग्राम को सफल बनाए और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद और दुआएं हमेशा हमारे साथ करें, धन्यवाद। देखिए, ये जो आपने मुहिम चलाई है या प्रदीप सर ने, बहुत ही अच्छा मुहिम है। ठीक है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी भी अपने को यहाँ पे बैठे हैं, पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, तो ये एक मौसम लगातार चेंजमेंट हो रहा है, उसी का नतीजा है। और जिस प्रकार से आप ये ग्रीनरी को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आपने इसके अंदर एडेबल की हैं, ठीक है। पशु पक्षियों के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूँ, ये प्राकृतिक संतुलन है और ये बना रहे तो हमेशा अपने इस धरा के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मेन बात यह है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग दे रहे हैं और कुछ इसको प्राकृतिक रूप से नष्ट भी कर रहे हैं। सात महाद्वीप हैं, आप एक छोटी सी चीज सोचिएगा, मैं आपको एजुकेशन से संबंधित बता रहा हूँ। सात महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, महाद्वीप, यूरोप वगैरह, ठीक है। इसके अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, वो सबसे ज्यादा जो डेवलप कंट्री है वो सबसे ज्यादा कर रही है, और वो लगातार इस प्रकार से दोहन कर रही है कि कुछ समय बाद में अपने को चार धरा, चार जमीन की जरूरत पड़ेगी, चार पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से अपना लगातार दोहन करते जा रहे हैं लोग बाग वगैरह। तो ये छोटी सी द नेक्स्ट प्रोग्राम विल कमेंस सून, वी विल हैव अ प्रोसेशन फ्रॉम हियर टू द रिट्रीट, एंड ऑल द स्टूडेंट्स दे विल हैव द लाइन अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड देयर वेट। So first we will go down and we will start the procession, and all the guests, they will give us the green signal. So I heartily request to all the guests, I will take their 5 minutes more, and after that we will start from there. So ladies and gentlemen, first the student will make a line with proper discipline and without making any noise, you will reach to the end. So please stand up and make a simple line. Okay, simple line.